भारत और पाकिस्तान के बीच अदावत बहुत पुरानी है। भारत और पाकिस्तान का इतिहास खून से सना है। दोनों देशों के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। वर्तमान में भी दोनों के संबंध अच्छे नहीं है। पुलवामा अटैक के बाद तो रिश्ते और भी तल्ख हो गए। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भारत का साफ स्टैंड है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान भी चीन के दम पर भारत से दुश्मनी निभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तान संग तल्ख रिश्तों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO समिट के लिए इस्लामाबाद गए थे। वहां से जयशंकर की एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। मन में मिलने की खुशी और उत्साह, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, माथे पर टीका और हरे रंग का चटकदार लहंगा। इस क्यूट सी बच्ची को देख हर किसी का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर का इस क्यूट सी पाकिस्तानी बच्ची ने अपने हाथों से गुलदस्ता देकर पाकिस्तान में स्वागत किया। वैसे तो जयशंकर का स्वागत पाक अफसरों ने भी किया, मगर सबकी नजर इस प्यारी सी बच्ची और उसकी मेहमान नवाजी पर जा टिकी। इस क्यूट सी बच्ची की सादगी पर जयशंकर भी फिदा हो गए। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उस क्यूट बच्ची संग तस्वीर खिंचवाई और उसे अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जयशंकर का ये अंदाज बहुत ही कम देखने को मिलता है। विदेश मंत्री जयशंकर संग इस क्यूट सी पाकिस्तानी बच्ची की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। भारतीय हो या पाकिस्तानी, क्यूट बच्ची वाली ये तस्वीर सबका दिल जीत लेगी। पाकिस्तान की क्यूट गर्ल की मेहमान नवाजी से न केवल जयशंकर खुश हुए बल्कि सोशल मीडिया यूजर भी गदगद हैं। इस तस्वीर पर यूजर खूब सारा प्यार बरसा रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर संग इस पाकिस्तानी बच्ची की तस्वीर हर किसी का दिल जीत रही है। विदेश मंत्री SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर जब उनका विमान उतरा तो दक्षिण एशियाई मामलों के महानिदेशक इलियास महमूद निजामी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दो बच्चे भी जयशंकर को गुलदस्ता देकर स्वागत करते दिखे। ये दृश्य काफी मनोरम था। जब ये पल कैमरे में कैद हुआ तो खुद जयशंकर भी इसे अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने से रोक नहीं सके। जयशंकर के साथ तस्वीर में दिख रही पाकिस्तानी बच्ची की मुस्कान ने हर जख्म को पल भर के लिए भुला दिया। ये तस्वीर एक तरह से हर जख्म पर मरहम की तरह है।